बकरियों को चुराने के बाद मटन शॉप पर उन्हें मारकर उनका मांस बेचने वाले 5 आरोपियों के गिरोह का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पर्दाफाश करते हुए गैंग के 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 मुख्य आरोपी फरार है। जानकारी के अनुसार फिरियादी रूपा आडले ने 11 मार्च 2023 की सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच अपनी 4 से 5 बकरियों को नाइक तालाब के पास चरने के लिए छोड़ दिया था, पर देर शाम तक भी उनकी बकरियां वापस ना आई, जिसके बाद खुद उनकी तलाश की गई और ना मिलने पर इसकी शिकायत 18 मार्च को पांचपावली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई, जिसकी तलाश में पांचपावली पुलिस स्टेशन की डीबी टीम के विजय यादव एवं उनकी पूरी टीम जांच में जुटी, जिसके बाद इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस ने पाया कि एक I-20 कार क्रमांक MH43AT6281 और एक रॉयल एनफील्ड बुलेट क्रमांक MH49BP1378 से कुछ आरोपी नाइक तालाब पहुंचे, जहां बकरियां मौजूद थी। इन आरोपियों ने अपने साथ लाए गए चारा दिखाकर बकरियों को अपनी ओर आकर्षित किया और कार में डालकर बकरियों को अपने साथ ले गए। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इन आरोपियों का पता लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अधिक जांच करने पर पाया गया कि आरोपियों ने इससे पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बकरी चोरी के मामले में कुल 5 आरोपियों के होने की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है, जिनमें आरोपी शेख जुबैर, शेख नसीम, मोहम्मद समीर, साबिर शेख, अक्षय उर्फ मोंटू माहुरे और उसके पिता विनोद माहुरे एवं शेख अज्जू शामिल है। इन आरोपियों में से 2 आरोपी फरार है, जबकि 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी बकरियों को अन्य आरोपी अक्षय उर्फ मोंटू माहुरे और उसके पिता को बेच दिया करते थे। यह दोनों ही पिता व बेटा जो कि मटन की शॉप चलाते हैं, ये बकरियां चुराने के बाद बुलेट से आकर अन्य आरोपियों से बकरियां ले जाकर इन्हें अपनी दुकान में काट कर बेच दिया करते। फिलहाल पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। एक्चुअली इसमें टोटल 5 आरोपी है, शेख जुबैर, शेख नसीम, मोहम्मद समीर, साबिर शेख, अक्षय उर्फ मोंटू विनोद माहुरे और उसका पापा विनोद माहुरे और शेख अज्जू। इसमें से टोटल 5 आरोपी है, 3 अपने ताबे में है, 2 पाईजे में है और टोटल जो मुद्देमाला है I-20 कार है, एक वीवो कंपनी का मोबाइल है और एक बुलेट गाड़ी है। टोटल 5,60,000 रुपये का मुद्देमाल है। इसमें जो I-20 कार है, इसमें वो बकरी चोरते थे और जो बकरी जो खरीददार है, जो अक्षय और विनोद माहुरे, उसकी बुलेट गाड़ी में वो बकरी लेके जाता था। ये टोटल अपना नाइक तालाब में महात्मा फुले स्कूल है, वहाँ बकरी चर रही थी तो अपनी I-20 कार में आते हैं और बकरी को दाना डालते हैं और बकरी पास में आते ही ये लोग कब्जे में ले लेते हैं और 3-4 बकरी जैसी आ जाती वैसी लोग ड्रावन हो जाते हैं और पहुंचने के बाद जो मोंटू माहुरे है उसको फ़ोन करते थे, फ़ोन करके वो आ जाता था लेने के लिए, उसको देते थे, वो पैसे देता था और वो पैसे में बकरी को दे देते थे वो लोग। चोरी करने का इनका उद्देश्य ये है कि भैया सामान्य जो जनता है, गोर गरीब है, उनको वो बिल्कुल परेशान वगैरह करते थे इस टाइप। और इन्होंने इसके पहले भी 5-6 ठिकान में किए, ऐसे कबूली लिए अपन ने, रामटेक तालाब की तरफ भी किए हैं, तारसा बस्ती है, कामठी साई मंदिर जवड़ है, वरधामना चोकरदानी, ऐसी 4-5 ठिकान में उन्होंने कबूली दिए है। वहाँ अभी सद्या गुन्हे दाखिल नहीं है, लेकिन गुन्हे दाखिल करने की प्रोसेस शुरू है। हमने BC मैसेज कर दी है और उनको फ़ोन पे लैंडलाइन पे भी बता दिए है। इसमें से जो है शेख जुबैर, शेख नसीम, इस पर खूनाचा गुना है, 2018 का खून का गुना है, वो पारिवारिक खून था, उसमें वो बेल पे है। और जो अक्षय और मोंटू विनोद माहुरे है वो हिस्ट्री शीटर है, वो रिकॉर्ड वाला आरोपी है। 3 आरोपी हिरासत में है, 2 पाईजे है। अभी जो तपास है प्राथमिक स्तर में है, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब यांच्या मार्गदर्शनात आमचे विजय यादव यांची टीम ने यह मेहनत केलेली आहे आणि त्यांचे तपास मध्ये ते आयोतेच आहे आणि तपास ते करीत आहेत सध्या। सध्या अभी जो तपास है प्राथमिक स्तर में है तो अभी इसमें बता के नहीं आता, तो बढ़ भी सकते हैं। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।